नमस्ते। आज की प्रातःकालीन प्रार्थना सभा में आप सभी का स्वागत है। आज जून माह की 29 तारीख दिन मंगलवार। आज के पंचांग के अनुसार विक्रमी संवत 2078, शक संवत 1943। आज आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। आज का नक्षत्र शतविखा, अर्थात आज से पंचक आरंभ हो रहे हैं एवं पंचकों में शुभ कार्य वर्जित होते हैं। आज का योग प्रीति। प्रविष्टि की यदि बात करें तो आज ज्येष्ठ आषाढ़ माह के 15 प्रविष्टि घटित हो रहे हैं। मुस्लिम माह जिलकाद की आज 17वीं तारीख है। अब समय है आज की प्रातःकालीन प्रार्थना का, तो आइए मिलकर गायत्री मंत्र, हमारे विद्यालय के ध्येय वाक्य एवं हनुमान चालीसा सहित राष्ट्रगान का उच्चारण करते हैं। इसके लिए आप सभी अपना सिर ढक लें। ऑल क्लासेस बी रेडी फॉर गायत्री मंत्र। चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि, बरनउ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर। राम दूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर बिक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। कंचन बरन बिराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुवन केस
केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह ही दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर सहारे राम चंद्र के काज सवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर शिउर लाए रघुपति की नी बहुत बढ़ाई तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बंदन तुम रोजस गावे अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम कुबेर दिकपाल जहां ते कवि कोविद कहि सके कहां ते तुम उपकार सुग्रीव ही कीना राम मिलाय राजपद दीना तुमरो मंत्र विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्र जो जन पर भानु लीलयो ताहि मधुर फल जानु प्रभु मुद्रिका मिली मुख माही जल दिलांग गए अचरज नाही दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसारे सब सुख लहे तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज संहारो आपे तीनों लोक हाँकते कापे भूत पिसाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासे रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे सब पर राम तपस्वी राजा तिनके काज सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारो जुग पर ताप तुम्हारा है पर सिद्ध जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असुर निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जान की माता राम रसायन तुमरे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुमरे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटे सब पीरा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहुं गुरु देव किनाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट ही बंदी महा सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होए सिद्धि साखी गौरी सा तुलसीदास सदा हरि चेरा कीजे नाथ हृदय महडेरा पवन तनय संकट हरन मंगल मूरति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप अस्तो मा सद्गमया तम सो मा ज्योतिर्गमया मृत्योर्मा अमृतम गमया ओम शांति 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 बी रेडी फॉर नेशनल एंथम जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल वंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय भारत माता की जय
भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। प्रार्थना के बाद अब समय है आज के प्रेरक प्रसंग को सुनने का। इसके लिए हमारे साथ हैं चौथी अ कक्षा के छात्र ओणम त्रिखा की अभिभावक श्रीमती प्रियंका त्रिखा। नमस्ते मैम, आज का प्रेरक प्रसंग हमारे साथ साझा करें। नमस्ते प्रधानाचार्य जी, उप प्रधानाचार्य जी, समस्त अभिभावक गण, अध्यापक गण एवं मेरे प्यारे बच्चों, मेरा नाम प्रियंका त्रिखा है। मेरी पुत्री ओनम त्रिखा कक्षा चौथी अ की छात्रा है। आज मैं आप सबको हिंदी की एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी सुनाने जा रही हूँ। मेरी कहानी का शीर्षक है मंजिल की राह। एक बार स्वामी विवेकानंद जी से मिलने एक व्यक्ति आया। उसके चेहरे पर दुख और पीड़ा के भाव साफ झलक रहे थे। स्वामी जी के देखते ही वह उनके पैरों पर गिर गया और कहने लगा, स्वामी जी मैं बहुत दुखी हूँ, मैं मेहनत में कोई कमी नहीं छोड़ता, इसके बावजूद कभी भी मुझे सफलता नहीं मिलती। स्वामी जी ने पल भर में ही उसके परेशानियों को समझ लिया। उन्होंने अपना छोटा सा एक पालतू कुत्ता उसको दिया और उसको बोला कि जाओ इसे घुमाकर लाओ, जब तुम इसे घुमाकर लाओगे मैं तभी तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगा। उस व्यक्ति ने उस कुत्ते को लिया और उसको घुमाने के लिए चला गया। और क्योंकि कुत्ता स्वामी जी का था तो लिहाजा उसने ध्यान रखा कि वह मन भर घूम ले। बाद में जब वह कुत्ते को लेकर स्वामी जी के पास लौटा तो स्वामी जी ने बोला कि तुम कुत्ते को इतनी देर घुमाकर लाए पर थकान के कोई निशान तुम्हारे चेहरे पर नहीं नजर आ रहे, लगता नहीं कि तुम मेहनत करके आए हो। मगर कुत्ता बुरी तरह से हाँफ रहा था और थका हुआ लग रहा था। स्वामी जी ने उस व्यक्ति से पूछा, यह कुत्ता इतना हाँफ क्यों रहा है या थका हुआ क्यों लग रहा है, जबकि तुम पहले की तरह ही तरोताज़ा और साफ सुथरे दिख रहे हो। उस व्यक्ति ने जवाब दिया, स्वामी जी मैं तो सीधा साधा अपने रास्ते पर चल रहा था पर यह कुत्ता तो दौड़ता ही रहा, यह गली के सभी कुत्तों के पास पीछे पीछे भागता और उनसे लड़कर फिर मेरे पास वापस आ जाता। हम दोनों एक समान रास्ता तय कर रहे थे परंतु इसने मेरे से कहीं ज़्यादा दौड़ लगाई, इसलिए यह ज़्यादा थका हुआ है। स्वामी जी मुस्कुराए और कहा, यही तुम्हारे प्रश्नों का जवाब है। तुम मंजिल पर सीधे जाने के बजाय दूसरे लोगों के पीछे भागते रहते हो, उससे तुम्हारी ऊर्जा काफ़ी लगती है, रास्ता उतना तय नहीं होता पर तुम बुरी तरह थक जाते हो। स्वामी जी की बातें सुनकर उस आदमी की आंखें खुल गईं। मेरी इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपनी मंजिल को पर नज़र रखते हुए उसको पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी चाहिए और अपने ध्यान को भटकाना नहीं चाहिए। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमती प्रियंका त्रिखा। आज राष्ट्रीय सांख्यिकीय दिवस है। इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ 8वीं ब कक्षा के छात्र चित्रांश को। नमस्ते चित्रांश। नमस्ते, मैं चित्रांश कक्षा 8वीं ब का छात्र हूँ। आज मैं आप सभी को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के बारे में बताने जा रहा हूँ। हमारे देश में प्रत्येक वर्ष 29 जून को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 29 जून को प्रसिद्ध सांख्यिकीविद दिवंगत प्रशांत चंद्र महालनोबिस का जन्मदिन होता है, जिन्होंने सांख्यिकी में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इसी को ध्यान में रखते हुए सन 2007 से हर वर्ष इस दिन को राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया, जो आज भी कायम है। सांख्यिकी के बगैर कोई भी बड़ा सर्वेक्षण, रिसर्च या मूल्यांकन नहीं किया जा सकता, इसलिए सांख्यिकी के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए इस दिवस को मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य रोजमर्रा की जिंदगी में सांख्यिकी के महत्व के प्रति लोगों को जागरूक करना है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 2019 का विश्व संधारणीय विकास लक्ष्य था तथा उसी से प्रेरित होकर 2020 में भी इसे SDG 3 तथा SDG 5 के नाम से ही आगे बढ़ाया गया। ये माना जा रहा है कि इसी तरह के आयोजन भविष्य में लोगों को सामाजिक तथा आर्थिक नियोजन तैयार करने में उचित सहायक सिद्ध होंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद चित्रांश। अब समय है आज के
संस्कृत के आदर्श वाक्य को जानने का। इसके लिए हमारे साथ हैं नवमी अ कक्षा के छात्र कीरत पाल सिंह। नमस्ते कीरत पाल, आज का आदर्श वाक्य हमारे साथ साझा करें। नमस्ते, आज हम नेपाल सरकार के ध्येय वाक्य को जानेंगे। नेपाल सरकार ने संस्कृत की इस सूक्ति को अपना आदर्श वाक्य बनाया है। जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। इस सूक्ति का अभिप्राय है कि जननी अर्थात जन्म देने वाली माँ और जन्म भूमि स्वर्ग से भी श्रेष्ठ है। धन्यवाद। धन्यवाद कीरतपाल। अब समय है जन्मदिवस वाले छात्रों को जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने का। आज नवमी अ की छात्रा अंशिका एवं छात्र शुभम शर्मा, छठी ब के छात्र जशन, चौथी ब के छात्र देवांश मिश्रा एवं तीसरी ब की छात्रा दिव्यानी भरद्वाज का जन्मदिवस है। तो आइए मिलकर इन्हें जन्मदिवस की शुभकामनाएं देते हैं। सालों साल की सागर में एक लहर उठी तेरे नाम की, तुम्हें मुबारक खुशियां सालों साल की। तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना, तुमको है जीवन में बढ़ते ही जाना। तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की, तुम हो सुंदर बूंद उसके नाम की। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आप सभी का जन्मदिवस की शुभकामनाएं देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे ईश्वर से प्रार्थना है आप सदैव स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें एवं अपने जीवन में उच्चतम लक्ष्य को प्राप्त करें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ कल फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।